हाई क्या हरसुद यादव इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है फिलहाल आप देख रहे हो सामने ब्रेजा एलेक्सा ही ओल्ड जनरेशन हम ऑन करते हैं जिसको नहीं पता हो तो इसमें अपनी सिंपल ऐसे सेंटर लॉकिंग की आती है कोई भी वहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन कुछ नहीं आता अब मैं जिसको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ इसमें सिर्फ ये लॉक अनलॉक करने के अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं वो इस वीडियो में आपको मैं आपको मेनली यही फीचर्स बताऊँगा इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट करी अब देखो फिलहाल जैसे मैं लॉक करता हूँ तो आपको एक भी मिलेगी अनलॉक करूँगा तो दो ठीक है लेकिन अभी देखना तीन भी पाई इंडिकेटर्स के एक बार चलते हैं अब ये आपको इंडिकेशन दे रही है कि इस गाड़ी का बोनट या फिर कुछ ना कुछ तो खुला है इसलिए आपको इंडिकेशन दे रही है आप ये ध्यान रखना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इग्नोर कर जाते हैं इस चीज़ को लेकिन नहीं ये आपका मेनली बहुत बढ़िया फीचर देती है मारुति वैसे ये कि आपको अभी जो भी गाड़ी आती है ना जिसमें सेंटर लुकिंग आती है मारुति की तरफ से उसमें आपको ये ही मिलती है और जिसमें सेंटर लुकिंग नहीं आती है उसमें अपनी सिंपल सी की मिलती है इसके अलावा ठीक है इसका मैं दूसरा फीचर और बताता हूँ अगर आप देखो जैसे अपने घर वालों के या ऐसे कॉमन एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत सारे घर है और आप आधी रात को आ रहे हो किसी को परेशान नहीं करना चाहते सिंपली देखो दो बटन दिख रहे हैं इसमें ऐसे दो बटन रुको ये, गाड़ी शोर करने लग जाएगी उससे बढ़िया ऐसे दो बटन रखे एक साथ दबाए और लॉक करो देखो आवाज़ नहीं मिली ना कोई भी इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई भी बंदा परेशान नहीं करना नहीं ये दबा दो इसका दो या तीन सेकंड का टाइम रहता है अगर उसमें आपने लॉक का बटन दबा दिया तो साउंड नहीं मिलेगी अगर मान लो मैक्स टू मैक्स पाँच सेकंड बाद भी दबाए ना तो साउंड मिलेगी ये भी एक अच्छा फीचर है ठीक है अभी इसका मैं आपको थर्ड फीचर और बताता दूँ देखो मान लो गाड़ी लॉक है और कोई भी बंदा आके ऐसे गाड़ी को छेड़ देता है ऐसे देखो बोल रही है साउंड कर रही है अभी छः बार बोलेगी रुक जाएगी देखना रुकी अब देखना मैं गाड़ी अनलॉक करूँगा ना तो एक चीज़ होगी चार बार बोल रही है ना वैसे मेनली दो बार बोलती है ठीक है अब चार बार अब मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ अभी देखना अंदर गया ये, ये भी लगा रहा हूं मैं ठीक है अब यहाँ पे नोटिस करना ये देखो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे भी कैसी आवाज आ रही है ठीक है ये है भाई इसका इंजन मोबिलाईजर ताकि आपको पता चल जाए कि भाई गाड़ी के साथ कोई छेड़खानी हुई है अब इसका थर्ड फीचर तो ये हो गया था तो भाई इंजन एमोबिलाइज़र ये आपकी सेफ्टी में बहुत मदद देता है कि ऐसे गाड़ी के साथ छेड़खानी हुई और चार बार बीप करती है वैसे लिए अगर आप अनलॉक करोगे तो दो बार ही करेगी अभी इसके फोर्थ फीचर की तरफ बढ़ते हैं आप देखो मैं बताता हूँ आपको मेनली इस चाबी में क्या मिलता है एक चिप मिलती है जो गाड़ी के साथ कनेक्ट रहती है अगर मान लो कोई चोर बंदा है भी वो गाड़ी को यहाँ से अनलॉक कर लेता है पहली बात तो अगर वो चाबी लगाएगा भी ना इसकी तो गाड़ी का सायरन बजे अगर मान लो किसी को पता नहीं चले सायरन बजा आराम से वो अंदर घुस भी गया ठीक है लेकिन फिर भी एक दिक्कत होती है वो चाबी अपने यहाँ पर लगाएगा इसमें ठीक है पहली बात तो चाबी घूमेगी नहीं और दूसरी बात गाड़ी सायरन बजने लग जाएगा जब तक आपकी चाबी का आर एफ आई डी टैग यहाँ पर इसमें कनेक्ट नहीं होता ना जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी ठीक है बहुत सारे लोग इस बहम में होंगे कि भाई ये वाली चाबी खो गई आपकी एंड जो दूसरी सेकेंडरी की आती है वो आप कहीं पर रख के भूल गए ठीक है तो मैं कोई डुप्लीकेट चाबी बना के ले आऊँगा गाड़ी मेनली स्टार्ट ही नहीं होगी आर एफ आई डी टैग मैच होना चाहिए जब ही गाड़ी स्टार्ट होगी एंड इंजन एमोबलाइजर का मतलब ही ये है ठीक है इसलिए गाड़ी स्टार्ट होगी एंड मैंने आपको बताया था ना अभी थर्ड उसमें कि ये सायरन बज रहा था बाहर चार बार बीप करी पहले एंड फिर अंदर आए तो यहाँ पे टू 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 करने लग रहा था यह आपको एक फीचर मस्त सा मिल जाता है इसकी में अगर आपको मान लो इस गाड़ी का सायरन ऑन करना है ना वहाँ से नहीं चाबी से आपको मान लो पता नहीं है गाड़ी कहाँ पर खड़ी है आप सायरन ऑन भी करना चाहते हो दोनों बटन है एक साथ दबाओ पाँच छः सेकंड तक अपने आप सायरन बजना शुरू हो जाएगा एंड ये इसका फिफ्थ फीचर था एक आपको अगर मान लो गाड़ी ढूंढनी है जैसे मान लो कोई पार्किंग में खो गई गाड़ी कहाँ पर एंड आपकी रीच में अगर गाड़ी है ना ऐसे जाओ बटन दबाते रहो ठीक है जब तक आपकी रीच में गाड़ी होगी वो सायरन बजने लग जाएगा आप उसकी हेल्प से जा सकते हो गाड़ी के पास आप अगर अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए भी बजाते भी हो ना बहुत लंबी बजेगी एंड साउंड भी इसकी तेज़ है खूब अच्छी सुन जाएगी मान लो वहाँ तक वहाँ तक नहीं उससे भी दूर इस घर के पीछे तक भी सुन जाएगी 100-200 मीटर आराम से सुन जाएगी इतनी तेज़ साउंड है इसकी आप आराम से गाड़ी ढूंढ सकते हो पार्किंग में मान लो खो भी जाओ आप भी खो जाओ अगर बस चाबी रीच में होनी चाहिए गाड़ी के आपके साइरन बच जाएगा आराम से गाड़ी के पास पहुँच सकते हो मान लो आपको चाहे फिजिकल की से गाड़ी अनलॉक करनी है आपके सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रही है एक तरीके की मान लो ठीक है जब भी ये बीप की साउंड करेगी देखना खुल गई फिर देखो अंदर भी आपको आवाज मिल रही है ऐसे इंडिकेटर चल रही है वो इंजन एमोबलाइजर भी चल रहा है देखो ठीक है ऐसे होती है ये भी है कि इसका सिक्स बढ़िया फीचर था अभी मैं आपको एक इसका लास्ट फीचर और बता दूँ देखो जैसे मैंने चा भी है ठीक है गाड़ी की गाड़ी की मेन की है ये मैंने अंदर छोड़ दी कैसे ना कैसे करके मान लो मैं भूल पेगा और फ़ोन भी मेरा अंदर ही है ठीक है अब मैंने ये गाड़ी लॉक करी यहाँ से यहाँ से लॉक कर दिया और मैं जाता हूँ ठीक है ये देखो खुल गई बाकी सारे डोर आपको बंद मिलेंगे ये ये वाले बंद है ये वाले बंद है ये भी एक इसका बहुत खास फीचर है बाकी ये इसका लास्ट फीचर था आपको कैसी लगी वीडियो बता देना ठीक है बस ऐसे तो और कोई खास नहीं है इसमें छः फीचर थे टोटल जो मैंने आपको गिना दिए बाकी वीडियो कैसी लगी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी धन्यवाद हो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली बहुत बहुत थैंक यू बाय